वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर द कोल्ड वॉर एरा, शीत युद्ध का दौर। आज के इस लेक्चर में हम ये चैप्टर समरी फॉर्म में करेंगे, मींस फुल चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस। अगर आप जब हम ये समरी करेंगे तो इसमें आई विल डिस्कस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, किस क्वेश्चन फॉर्म में कौन सा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अगर उस कंसेप्ट से रिलेटेड आपको डिटेल डिस्कशन देखना है, डिटेल नोट्स लेने हैं, तो आप नीचे दिए गए लिंक में जाकर इन वीडियोस को डिटेल में भी देख सकते हैं जो कि ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। अब चैप्टर जो है वो किससे रिलेटेड है, कोल्ड वॉर, यानी कि इसमें हमने किसके बारे में बात करनी है, कोल्ड वॉर के बारे में, शीत युद्ध के बारे में। चैप्टर में हमने क्या बताना है, पूरा चैप्टर हमें किसके बारे में बताएगा, दोनों जो सुपर पावर्स थे उनकी डोमिनेशन, एज वेल एज नाउ नॉन अलाइन मूवमेंट किस तरीके से इन दोनों सुपर पावर्स के लिए चैलेंज के रूप में सामने आया था, और नाम में जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के लिए कंट्रीज जो कि इसके मेंबर कंट्रीज थी उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उनकी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के लिए क्या किया, राइट ये सारे हमारे टॉपिक्स रहेंगे इस चैप्टर में। अब ये कोल्ड वॉर था क्या, कैसे शुरू हुआ, एक्चुअली जो दो वर्ल्ड वॉर हुई थी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुई थी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा वर्ल्ड टू पार्ट्स में, टू ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था। वो कौन से ब्लॉक्स थे, दैट वाज यूएसए एंड यूएसएसआर। अब जब हम कोल्ड वॉर की बात करते हैं तो ये जो दो ब्लॉक्स एमर्ज हुई थी, यही दो ब्लॉक्स फिर आपस में एक दूसरे को पावरफुल प्रूव करने की होड़ में लग गई थी, इनमें रेस हो गई थी कि कौन ज्यादा पावरफुल है, उसी की वजह से क्या हुआ था, कोल्ड वॉर शीत युद्ध। अब इससे जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो इसी चैप्टर में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रिगार्डिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इस पे आपका 4 मार्क्स में नोट्स पे क्वेश्चन आ सकता है या इसी में से बहुत सारे 1 मार्क क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इसको लर्न करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, यू हैव टू लर्न दीज 3 नेम्स। सिर्फ 3 नाम है जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्यूबन, क्यूबा का नाम ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में ही आ जाएगा कि क्यूबा के ऊपर ये क्वेश्चन। नाम कौन कौन से, एक तो आपको याद रखना लीडर ऑफ यूएसएसआर, यूएसएसआर का नेता कौन था, निकिता खुश्चेव, क्यूबन प्रेसिडेंट फिदेल कास्ट्रो। एक चीज ध्यान रखेंगे जो मेरी पहली वीडियोस में बाय मिस्टेक ये जो क्यूबन प्रेसिडेंट है इसकी जगह गलती से बोला गया है यूएसएसआर प्रेसिडेंट, तो उसको थोड़ा सा प्लीज सही कर दीजिएगा, इट्स नॉट यूएसएसआर प्रेसिडेंट, ये किसके प्रेसिडेंट है, क्यूबन, क्यूबा के। देन यूएसए प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी। 3 नाम आपको याद रखनी है तो आप समझ लीजिए आपका ये 4 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन प्रिपेयर है। कैसे है इसको हमें कहानी के रूप में करेंगे कि क्यूबा क्या था, क्यूबा एक छोटा सा आइलैंड था जो किसका अलायंस कंट्री था, यूएसएसआर का, राइट। अब क्यूबा जो है बेसिकली कहां था, यूएसए के नजदीक। सपोज अगर हम ये करते हैं दिस वन इज यूएसए और यहां पर है यूएसएसआर, तो क्यूबा कहां था, बिल्कुल यहां, ये क्या था, क्यूबा, राइट। अलायंस कंट्री तो था यूएसएसआर का लेकिन नजदीक किसके था, यूएसए के। तो ऐसे में यूएसएसआर ने ये सोचा कि क्यूबा को क्यों ना अपना जो है आर्मी जो वेपन्स वगैरह वो सारे वहां पर क्यों ना लॉन्च किए जाए, आर्मी कैंप क्यों ना इसको बनाया जाए, क्योंकि ये यूएसए के बिल्कुल पास है, तो इसको कहीं ना कहीं ये भी डर था कि यूएसए कभी भी क्यूबा पर अटैक कर सकता है। तो इसीलिए जो क्यूबन प्रेसिडेंट थे फिदेल कास्ट्रो, उन्होंने और यूएसएसआर का जो मेन लीडर थे निकिता खुश्चेव, इन दोनों ने मिलकर क्यूबा को किसमें कन्वर्ट कर दिया, आर्मी बेस में, जहां पर मिलिट्री बेस बन गया। और मिलिट्री बेस बना तो जितने भी इनके वेपन्स वगैरह थे वो सारे वहीं पर शिफ्ट हो गए, सारे ट्रूप्स वहां चले गए। इसकी वजह से हमें जो यूएसए था वो कहीं ना कहीं घबराया हुआ था क्योंकि उसको अपना डर था, तो उन्होंने फिर यूएसएसआर पर ये जोर डाला था कि वो अपने सारे वेपन्स जो मिलिट्री बेस उन्होंने बनाया उसको वापिस ले जाए, लेकिन पहले वो नहीं माने। बाद में जो था यूएसएसआर, यूएन की इंटरवेंशन के बाद, यूएन की इंटरफेरेंस के बाद जो यूएसएसआर था उसने अपने सारे जो मिलिट्री बेस था, जो वेपन्स क्यूबा में लॉन्च किए थे, उन सबको वापस ले आया। तो ये पूरा समय जो था, ये पूरा समय क्या कहलाया कि जब वो वेपन्स वहां डाले गए, आर्मी बेस उसको मिलिट्री बेस बनाया गया, और जब वहां से मिलिट्री बेस समाप्त किया गया, वो पूरा टाइम पीरियड किस नाम से जाना जाता है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से। एज अर्लियर आई टोल्ड यू कि अगर आपको इसके पूरे डिटेल में नोट्स लेने हैं तो यू कैन गो थ्रू द वीडियोस जो आपको लिंक में दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
देन अब इसके बाद आ जाते हैं कि कोल्ड वॉर का एक्चुअल मीनिंग क्या है, व्हाट्स द रियल मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर इन रियल टर्म्स. अब कोल्ड वॉर से पहले आपके इसी वीक की वन मार्क क्वेश्चन आ जाती है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो उसके बाद कोल्ड वॉर शुरू हुआ था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो आपस में नेचुरली लड़ाई होती है तो दो ग्रुप होते हैं. एक तरफ कौन सा ग्रुप था, नोन एज एलाइड फोर्सेस, दूसरी तरफ का जो ग्रुप था उसको क्या बोला गया, एक्सिस पावर. एलाइड जो फोर्सेस थी उनमें कौन सी कंट्रीज थी, यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस. दूसरी तरफ जो दूसरा ग्रुप था एक्सिस पावर का, उसमें कौन कौन सी कंट्री थी, जर्मनी, इटली एंड जापान. ये आपके वन मार्क क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट वर एलाइड फोर्सेस और विच कंट्रीज वर नोन एज एक्सिस पावर, दोनों तरफ कौन कौन से. अब इस समय में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो अब क्योंकि यूएस और सोवियत यूनियन दोनों एलाइड फोर्सेस थी, तो यूएस ने जर्मनी पर बॉम्ब्स गिराए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसमें कौन से एरिया में गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था, क्योंकि बॉम्ब गिराने से जर्मन और उसकी जितनी भी अलायंस कंट्री थी जो एक्सिस पावर थी ये सभी उस तरफ हो गई थी. अब जर्मन अपने आप को समेटने में लग गया था, जिसकी वजह से जो पूरी पावर थी अब किसके हाथ में आ गई थी, एक ही ग्रुप के हाथ में, वो कौन सी थी, अलायंस फोर्सेस. लेकिन बाद में यूएस और सोवियत यूनियन दोनों के बीच में इस चीज को लेकर कंपटीशन हो गया, इस चीज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गए कि हु इज मोर पावरफुल. यूएस का मानना था कि क्योंकि बॉम्ब उसने गिराए हैं तो वो ज्यादा पावरफुल है, लेकिन सोवियत यूनियन का ये मानना था कि दोनों आपस में लाइट थी तो जो भी हार या जीत होती वो पूरे ग्रुप की होती किसी एक की, राइट. तो इस वजह से दोनों के बीच में क्लैशेस स्टार्ट हो गए और वही क्लैशेस बाद में पूरे वर्ल्ड को किसमें डिवाइड कर दिया उसने, टू ब्लॉक्स में. कौन कौन से टू ब्लॉक्स बनी, यूएसए एंड यूएसएसआर, राइट. तो इस तरीके से जो थी कोल्ड वॉर शुरू हुआ था. यही आपका क्वेश्चन आता है कि कैसे जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड, कोल्ड वॉर की शुरुआत क्यों माना जाता है, किस तरीके से उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कोल्ड वॉर के लिए. क्लियर. देन अब बात आ जाती है इमरजेंस ऑफ टू ब्लॉक्स की, जो दो ब्लॉक्स बनी थी ये कैसे बनी थी. With the end of Second World War, two new powers rose on the global stage, that were USA and USSR. अब USA ने USA की तरफ कौन सी थी, Western Alliance. Again, यहाँ आपका फिर से one more question है कि what do you understand by Western Alliance? What do you understand by Eastern Alliance? जितनी भी Western countries थी, वो सारी किसके साथ आ गई थी, US के साथ, तो वो alliance कौन सी थी, Western Alliance. और जितनी भी Eastern की country थी, वो सारी किसके साथ मिल गई थी, यूएसएसआर के साथ. तो ये अलायंस किस नाम से जानी जाने लगी, ईस्टर्न अलायंसेस के नाम से. अब हमें पता है कि कोई भी अगर हम जनरली भी देखें तो अगर हम किसी के साथ कोई समझौता करते, कोई एग्रीमेंट करते तो कहीं ना कहीं रिटर्न सिग्नेचर होते हैं प्रूफ के तौर पर. इसी तरीके से इन द सेम वे जब ये अलायंसेस बनी, वेस्टर्न अलायंस एंड ईस्टर्न अलायंस, तो इन्होंने भी एक एग्रीमेंट किया, एक ट्रीटी की थी. अमेरिका ने यूएसए ने जो वेस्टर्न अलायंस किया तो उन्होंने क्या बनाया था, नाटो. नाटो की फुल फॉर्म क्या होगी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ये कब बना, अप्रैल 1949 में. अब यही आपके थ्री वन मार्क क्वेश्चन आ जाते हैं, वेस्टर्न अलायंस का मीनिंग, फुल फॉर्म ऑफ नाटो और नाटो कब साइन किया गया था, व्हेन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, राइट. तो इस तरीके से इन्होंने जब नाटो बनाया 1949 में तो कहीं ना कहीं यूएसएसआर को ये लगने लगा कि उसके जवाब में उन्हें भी एक अलायंस बनाना चाहिए, उन्हें भी कोई ना कोई ट्रीटी करनी चाहिए. तो उसके जवाब में ईस्टर्न अलायंस ने कौन सा पैक्ट बनाया, वारसा पैक, राइट. वारसा पैक कब बना, 1955 में. ये था काउंटर अटैक ऑन यूएसए का, जो नाटो बना था उस पर काउंटर अटैक करने के लिए यूएसएसआर ने क्या बना दिया, वारसा पैक. इसके अलावा यूएसए ने और कौन सी अलायंसेस बनाई थी, सीटो एंड सेंटो. सीटो की फुल फॉर्म क्या है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. सेंटो की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ऑल दीज पॉइंट्स कैन कम एज एन वन मार्क क्वेश्चन, सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. क्लियर. ये तो बात हो गई टू पावर्स की. अब बात आती है कि ये जो अलायंसेस बनी थी, चाहे वो वारसा पैक, सेंटो, सीटो या वो नाटो था, तो इन अलायंसेस की जरूरत क्यों थी, क्योंकि सुपर पावर्स तो ऑलरेडी पावरफुल थी, तो उन्हें इन कंट्रीज को साथ मिलाने
क्या जरूरत होती। इसके पीछे भी कई रीजन थे कि जो भी कंट्रीज इनको ज्वाइन कर रही थी, वर्ल्ड में टू ही ब्लॉक्स थी, तो कंट्री को या तो यूएसए को ज्वाइन करना पड़ता था या फिर यूएसएसआर को, अकेले रहेंगे तो कोई भी पावर उनके ऊपर अटैक कर सकती थी। तो खुद को सेव करने के लिए जो स्मॉलर कंट्रीज थी, जो न्यूली इंडिपेंडेंट डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज थी, उन्होंने इन दोनों में से किसी एक पावर को ज्वाइन किया। लेकिन सुपर पावर्स को क्या जरूरत थी इनको अपने साथ मिलाने की, उसका मेन कारण है ये, अगेन इट्स योर 4 मार्क्स क्वेश्चन, कि सुपर पावर्स को अलायंस की जरूरत क्यों थी। सबसे पहले टू गेन एक्सेस टू वाइटल रिसोर्सेज, उन एरियाज में जो भी रिसोर्सेज थे जैसे ऑयल है, कोल है, उन चीजों पर अब जब वो कंट्री इनके साथ अलायंस करेगी, इनकी सुपरमेसी को एक्सेप्ट करेगी, तो इट मींस उनके जितने भी रिसोर्सेज है उस पर राइट किसका हो जाएगा, सुपर पावर का, क्लियर। दूसरा रीजन क्या था कि उनको एक टेरिटरी, एक एरिया मिल गया जहां वो अपने वेपन लॉन्च कर सकते थे। हमने अभी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में पढ़ा था कि क्यूबा अलायंस कंट्री था यूएसएसआर का, क्यूबा उनको एक प्लेस मिल गया जहां वो अपना आर्मी बेस बना सकते थे, अपने वेपन लॉन्च कर सकते थे, क्लियर। थर्ड वन, अब वेपन लॉन्च करने के साथ साथ वो एक दूसरे पर नजर रख सकते थे, स्पाई यानी जासूसी कर सकते थे। अब क्यूबा यूएसए के नजदीक था, तो क्यूबा से यूएसएसआर को जासूसी करने में, स्पाई करने में ज्यादा आसानी थी बजाय की यूएसएसआर से, क्लियर। इसके अलावा और क्या था, इकोनॉमिक सपोर्ट, ये जो कंट्रीज थे, अब यूएसएसआर ने जब क्यूबा में अपना मिलिट्री बेस बनाया, जो आर्मी थी, तो उसका खर्चा कौन उठा रहा था, क्यूबा। इसी तरीके से जो क्यूबन आर्मी है, खर्चा कौन, या जो भी अलायंस कंट्रीज थी उनकी आर्मी का खर्चा वो कंट्रीज खुद उठाती थी, लेकिन वो कॉपरेट किसको करती थी, यूएसएसआर रशिया को, और इधर वो लोग किसको करते थे, अमेरिका को, क्लियर। तो उनका आर्मी का एक्सपेंडिचर बचता था, वो भी एक तरह से उन्हें इकोनॉमिक हेल्प होती थी। इसके अलावा तीसरा, एक तो ये तो दो अलायंसेस थी, या तो वारसा पैक्ट या नाटो, ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस। तीसरा क्या था, नाम किन कंट्रीज के लिए था, नॉन अलाइंड मूवमेंट, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो ना तो यूएसए के साथ थी ना ही यूएसएसआर के साथ थी, उन्होंने किसको ज्वाइन किया था, नाम को, नॉन अलाइंड मूवमेंट को। अब बात आती है एरेना ऑफ कोड़ा, ये तो हमारी बात होगी व्हाई अलायंस रिक्वायर्ड, राइट। अब आते हैं कि एरेना ऑफ कोल्ड वॉर, एरेना का मतलब एरिया, कि कोल्ड वॉर का अफेक्ट जो है कहां कहां किन किन एरियाज में पड़ा था। तो सबसे पहले, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो कौन से एरिया थे जहां पर वर्ल्ड वॉर के समय में एकदम से ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि लगने लगा था अभी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं था। मतलब क्राइसिस बहुत ज्यादा हो गए थे, टेंशन का माहौल हो गया था, लेकिन वो वार में कन्वर्ट नहीं हुआ। एरिया वेयर क्राइसिस एंड वॉर थ्रेटेड टू अकर बिटवीन द अलायंसेस बट डिड नॉट लीड टू अनदर वर्ल्ड वॉर, हुआ था कि आजकल अभी वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो वो कौन से एरिया थे, कोरिया, कोरिया में ये सिचुएशन कब आई थी, 1950 से लेकर 53 के बीच में, देन बर्लिन 1958 to 62, कोंगो इन अर्ली 1960s एंड इन अदर सेवरल प्लेसेस। अब यहाँ पर जब ये क्राइसिस, जब ये कोल्ड वॉर के समय में जो सिचुएशंस एरेना से डेवलप हुए थे, इस समय में नाम जो थी, नॉन अलाइंड कंट्रीज जो थी, इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, इनका मेन काम इन्होंने क्या किया था, दोनों कंट्रीज के बीच में जहां भी कंफ्लिक्ट्स पैदा होते थे, तो ये उन कंफ्लिक्ट्स को शांत करती थी, उन कंफ्लिक्ट्स को सॉल्व करके वार में उसको कन्वर्ट नहीं, क्लियर। यहाँ आपका क्वेश्चन आ जाता है, रोल प्लेड बाय नाम ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के समय में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का क्या रोल था, क्लियर। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा जो इसमें नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है, दैट इज अ चैलेंज टू बाइपोलैरिटी, यानी दो ध्रुवीयता को चुनौती, दो ध्रुव कौन कौन से थे, यूएसए एंड यूएसएसआर, दोनों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, कौन से ऐसे चैलेंज थे जो वो फेस कर रहे थे। सबसे बड़ा चैलेंज था नाम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, क्योंकि नॉन अलाइंड मूवमेंट जो कंट्रीज थी एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन सब के लिए तीसरा ऑप्शन था, जो अभी न्यूली इंडिपेंडेंट हुई थी, तो उनके लिए ऑप्शन था कि अगर वो यूएसए और यूएसएसआर को ज्वाइन न करके भी सेफ कैसे रह सकती हैं, बाय ज्वाइनिंग द नाम, नाम को अगर ज्वाइन करती हैं। तो नाम बना कैसे था, इसके 5 फाउंडर मेंबर है, लेकिन इसकी बेसिक हिस्ट्री पे अगर हम जाते हैं तो ये 3 फ्रेंड्स की रिलेशनशिप पे जाती है। कौन से 3 फ्रेंड्स थे, यूगोस्लाविया के जॉर्जस ब्रॉज टीटो,
देन इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट गमाल अब्दुल नासर, ये पहले ये तीन फ्रेंड्स थे, यूगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, यानी जोसेफ ब्रोज टिटो, पंडित नेहरू एंड गमाल अब्दुल नासर, ये तीनों फ्रेंड्स से मिलकर पहले नाम को बनाया था। लेकिन बाद में साथ ही साथ उनके फर्स्ट समिट होने से पहले ही इंडोनेशिया के सुकरानो और घाना के कामे निरुपमाहा ये भी इनके साथ मिल गए थे। तो ये पांचों किस नाम से जाने जाते हैं, फाउंडर मेंबर्स ऑफ द नाम, ये आपका वर्मा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। राइट द नेम ऑफ फाउंडर मेंबर्स ऑफ नाम, राइट, या आर्किटेक्चर ऑफ नाम, इंडिया का कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने मिलकर नाम बनाया और इनकी जो पहला समिट था, पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था, बेलग्रेड में 1961 में। फिर से बता रही हूँ कि अगर आपको नाम से रिलेटेड पूरी डिटेल में समझना है, पूरे नोट्स चाहिए, तो यू हैव टू गो थ्रू द डिटेल वीडियोस जो अपलोड हो चुकी है। देन इसके बाद नेक्स्ट हमारा इसमें फिर टॉपिक आता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नए आर्थिक जो परिवेश में आर्थिक नीतियां जो बनाई गई थी वो इंटरनेशनल लेवल पर अंतरराष्ट्रीय नव जो नियोजन किया गया था, जो प्लानिंग की गई थी वो क्या थी। तो ये किसके लिए थी, मेनली ये थी उन कंट्रीज के लिए जो नाम की मेंबर्स थी, और नाम में मोस्टली कंट्रीज क्या थी, लीस्ट डेवलप्ड LDC, what's the full form of LCD? LDC. This is LDCs, least developed countries, यानी जो कि economically काफी poor थी। तो least developed countries जो थी, इन्होंने इनके लिए, इनके development के लिए क्या बनाया गया था, new international economic order, जिस पर किस बात पर जोर दिया गया था, ऐसे efforts किए गए थे जिसके आधार पर जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, LDCs है, उनकी डेवलपमेंट की जा सके। द आइडिया ऑफ नियो फेल, लेकिन जो नियो का ये आइडिया थे पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया था। उसका कारण क्या था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उनके बीच में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन था, उसकी वजह से इसका इफेक्ट किस पर पड़ा था, इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पर, जिसकी वजह से नियो जो था वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। नियो पर भी आपका अलग से 6 मार्क्स क्वेश्चन आता है, इसी में ही आपकी इनकी रिपोर्ट भी आ जाती है, रिसेंट में जो फर्स्ट रिपोर्ट दी थी वो सारा आपको वीडियोस में डिटेल में मिल जाएगा। अब लास्ट में हमारा, अब नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक आता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, यानी इंडिया और शीत युद्ध, इंडिया का रोल जो था कोल्ड वॉर के संबंध में कैसा था। तो इंडिया, ये आपका 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है सो मेनी टाइम्स, इंडिया का जो कोल्ड वॉर के समय में रिस्पॉन्स था, दैट वॉज टू फोल्ड, अगेन टू फोल्ड के ऊपर भी आपका 2 मार्क्स का सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया का टू फोल्ड स्टैंड क्या था रिगार्डिंग द कोल्ड वॉर। टू फोल्ड का मतलब दो तरीके से, पहला क्या था कि स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंसेस, क्योंकि दोनों ही अलायंसेस यूएसए और यूएसएसआर दोनों से दूर रहेगा। दूसरी बात, रेज वॉइस अगेंस्ट न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्री बिकमिंग पार्ट ऑफ ईदर द अलायंस, की जो भी कंट्री न्यूली इंडिपेंडेंट हुई है, अभी अभी वो डिकोलोनाइज हुई है, और वो कंट्री अगर इन दोनों में से किसी भी ब्लॉक का हिस्सा बन रही है, किसी भी ब्लॉक के साथ अलायंस कर रही है, तो उनके अगेंस्ट आवाज उठाना, उनके अगेंस्ट आवाज क्यों उठाना, उनको ये बताना कि अगर वो इनमें से किसी भी अलायंस का हिस्सा बनती है, तो जो उन्हें अभी अभी आजादी मिली है, इंडिपेंडेंस मिली है, वो एक तरह से उनकी आजादी फिर से समाप्त हो जाएगी। देन इंडिया ने जो था वो इंटरनेशनल डिसीजंस में भी पार्टिसिपेट किया, बेशक इंडिया ने दोनों में से किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, नाम को ज्वाइन किया, बट स्टिल इंडिया ने वर्ल्ड लेवल पर जब भी कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, इंटरनेशनल लेवल पर कोई इश्यूज उठे, तो उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। एज वेल एज दोनों जो पावर्स थी, सुपर पावर्स, इनमें बैलेंस भी बनाए रखा। बैलेंस कैसे बनाए रखा था कि जैसे अब नाम से क्या था, बहुत सारी कंट्रीज इकट्ठी थी, तो कहीं ना कहीं दोनों सुपर पावर्स को ये मालूम था कि अगर यूएसएसआर इंडिया के ऊपर अटैक करता है या इंडिया के साथ कुछ ऐसा गलत करता है, तो इंडिया किसके साथ मिल जाएगा, यूएसए के साथ। क्यों, अब अगर इंडिया यूएसए के साथ मिल जाएगी, इस नाम की जितनी कंट्रीज है वो सारी की तरफ चली जाएगी यूएसए के साथ, तो यूएसएसआर की पावर कम हो जाएगी। सेम इसी तरीके से यूएसए को भी कहीं ना कहीं ये रियलाइज था कि अगर वो इंडिया के साथ कुछ ऐसा करेगा, तो पूरी की पूरी नाम की कंट्रीज किधर चली जाएंगी, यूएसएसआर के साथ। तो इस तरीके से दोनों ही जो सुपर पावर्स थे उनके बीच में बैलेंस बनाया हुआ था। किसकी वजह से ये बैलेंस बना था, ड्यू टू नाम। अब इंडिया की जो पॉलिसीज है, ये तो हमारी बात आ गई कि इसके टू फोल्ड स्टैंड
इंटेंट क्या थी, ये अलग से 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कभी कभी इसका क्रिटिसिज्म पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि नाम की पॉलिसी को क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है, तो उसका भी कारण है क्योंकि इंडिया ने क्या इंडिया की नाम की पॉलिसी को ये बोला जाता है कि अनप्रिंसिपल्ड है और इनकंसिस्टेंट है। अनप्रिंसिपल्ड का मतलब क्या है कि इंडिया ने ये बोला कि वो दोनों अलायंस के साथ नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी कंफ्लिक्ट होगा तो वो उसमें हिस्सेदारी देगा, उसमें वो इंटरनेशनल जो इश्यूज है उससे दूर नहीं रहेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जिन जो इंटरनेशनल लेवल पर जब जरूरत थी तो उस समय इंडिया ने जो था उसके प्रति कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। इसके अलावा इसके पॉलिसी को नाम को इनकंसिस्टेंट माना जाता है। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि एक तरफ इंडिया ये कहता है कि कोई भी कंट्री न्यूली कॉलोनाइज कंट्री जो है वो किसी भी ब्लॉक को ना ब्लॉक के साथ ना जाए, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ने खुद रशिया के साथ यूएसएसआर के साथ 20 ईयर्स ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप दी थी। वो बात अलग है कि वो ट्रीटी करने का कारण था क्योंकि जब बांग्लादेश वार हुआ था तो उस समय अमेरिका यूएसए और चाइना सॉरी पाकिस्तान यूएस और चाइना जो थे वो एक तरफ आ गए थे, तो इसलिए इंडिया को भी एक पावर सुपर पावर की जरूरत थी, तो दैट्स व्हाई वो एक रीजन था बिहाइंड दैट। लेकिन उस रीजन को हाईलाइट नहीं किया जाता, सिर्फ ये कहा जाता है कि दूसरों को तो वो इन ब्लॉक्स के साथ मिलने से मना करता है और खुद उसने यूएसएसआर के साथ ट्रीटी की। देन इसी आधार पर इसको क्रिटिसाइज किया जाता है और ये कहा जाता है कि इसमें जो है, लेकिन इन सब कमियों के होते हुए भी इसके बावजूद जो नाम है आज उसका एक स्टैंड है, उसका एक ना उसकी एक पोजीशन है। नाम आज भी जो है इररिलेवेंट नहीं है, इवन नाउअडेज टुडे के सिनारियों में भी अगर देखा जाए तो नाम की रेलिवेंस समाप्त नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये सारा आपका किसके बारे में आ गया, रिगार्डिंग द नाम। अगर आपका इंडिया कोल्ड वॉर पर कंप्लीट क्वेश्चन आता है तो दैट कम इन 6 मार्क्स, जिसमें आपको इंडिया का 2-4 स्टैंड लिखना होगा, एज वेल एज इंडिया को क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है इसकी पॉलिसी को लेकर उसके बारे में भी बताना होगा। और कभी कभी इसमें क्वेश्चन कैसे आ जाता है, हाउ यू कैन से दैट द कोर वैल्यूज ऑफ नाम आर स्टिल रेलिवेंट इन टुडेस सिनेरियो, आज भी रेलिवेंट है, तो उसके लिए भी आपको ये सारी बातें बतानी पड़ेगी। इज इट क्लियर? ऑल दिस इज अबाउट द चैप्टर इन ब्रीफ। होपफुली इट्स क्लियर टू एवरीवन। अगर आपको वाकई ये समझ में आया है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।